वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताने वाली हूँ जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये एक अनाउंसमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री राशन फॉर 72 लाख बेनिफिशियरीज फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने करीब 72 लाख लोगों के लिए फ्री राशन अनाउंस किया है। 2 महीने तक फ्री राशन प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड है उनको राशन दिया जाएगा। तो शुरू करते हुए, ऑल ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर्स इन दिल्ली विल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 ईच। तो इसके साथ साथ जो ऑटो रिक्शा और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के हैं, उन्हें भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा। तो अभी मैंने पिछली एक दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो लेबरर्स हैं, जो रजिस्टर्ड लेबर्स हैं लेबर डिपार्टमेंट से, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी 5,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना था अपने स्कूल्स में। तो यहाँ पे एक और ये न्यूज है, ये ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए है। उसी तरीके से इन लोगों को भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और ये कब कैसे होगा, ये जैसी न्यूज आएगी तो आप हमारे आने वाली वीडियोस में आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे और आप कब कर सकते हो। As COVID-19 cases surge across the country, resulting in several curbs on business activities, the Delhi government has decided to give free ration to all ration card holders in the national capital for the next 2 months. तो जैसा अभी COVID-19 के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, और जो भी बिजनेस का जो भी काम है, दुकानें लोगों की बंद हो गई हैं, कुछ काम नहीं है बहुत लोगों के पास, तो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो इस वजह से उनकी सहायता करने के लिए दिल्ली सरकार ने फ्री राशन देने का अनाउंस किया है और अगले 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड बने हुए हैं। इट डज नॉट मीन दैट द लॉकडाउन विल कंटिन्यू फॉर 2 मंथ्स, इट इज जस्ट बीइंग डन टू हेल्प द पुअर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल इश्यूज, ही एडेड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब क्योंकि 2 महीने के लिए फ्री राशन देने की बात की गई है, तो आपको ये चीज गलत नहीं समझना है कि इसका मतलब ये है कि 2 महीने तक लॉकडाउन लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने तक राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2 महीने तक लॉकडाउन लगाया जाएगा दिल्ली में। ये सिर्फ गरीब लोगों की सहायता करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, तो लोगों को खाने की भी दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से बस लोगों की सहायता करने के लिए ये राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। द सीएम फर्दर अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 ईच फॉर ऑल ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर्स इन दिल्ली। दिस इज बीइंग डन सो दैट दे गेट अ लिटिल हेल्प ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो यहाँ पे दिल्ली के सीएम ने ये भी अनाउंस किया है कि जो दिल्ली में जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी चलाते हैं या जो ऑटो चलाते हैं, उन्हें भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और ये वैसे तो बहुत थोड़ी सी मदद है, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बट अभी जो वो इतना फाइनेंशियल क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं लोगों के पास, क्योंकि काम नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, तो नई से बेहतर है कि उन्हें कुछ ना कुछ सहायता मिले। तो 5,000 भले ही छोटा अमाउंट है, बट उन्हें इस तरीके से कम कुछ तो सहायता मिलेगी ही मिलेगी। इस वजह से 5,000 की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो अनाउंस किया गया है। इम्पोजिशन ऑफ द लॉकडाउन वॉज नेसेसरी टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ वायरस, बट अ लॉकडाउन कैन क्रिएट ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस, स्पेशली द डेली वेज लेबरर्स, सेड केजरीवाल व्हाइल स्पीकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अनाउंस्ड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो यहाँ पे केजरीवाल ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कोविड जो है वायरस वो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और लॉकडाउन के कारण हो सकता है कि ये वायरस का जो ट्रांसमिशन है, ये जो फैल रहा है, वो चेन थोड़ा टूट जाए, थोड़ी राहत मिले लोगों को। और इसकी वजह से जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है, यानी ऐसे लोग हैं जो डेली वेज पे काम करें, यानी जिनको हर दिन की आमदनी, जैसे आज काम कर रहे हैं तो आज का पैसा उन्हें आज मिलता है, मतलब जिनकी सर्विस वाली जॉब नहीं है, जिनकी सैलरी वाली जॉब नहीं है, जो डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर यानी केजरीवाल
केजरीवाल जी के द्वारा ये हेल्प अनाउंस किया गया है। और जैसे कि मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, इन अ स्टेटमेंट द सिटी गवर्नमेंट सेड दैट अ टोटल ऑफ 2,10,684 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विल बी ग्रांटेड एड अंडर दिस स्कीम। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको वीडियो में कि जो लेबर डिपार्टमेंट से जो रजिस्टर्ड लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें भी 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी। तो इसके अंडर 2,10,684 के लगभग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने रजिस्टर किया है और उन्हें ये सहायता प्रदान की जाएगी। आगे लॉकडाउन के बारे में, विद द कोरोना वायरस इन्फेक्शन सर्जिंग द लॉकडाउन इम्पोज इन द नेशनल कैपिटल वॉज एक्सटेंडेड बाई अ वीक फॉर द सेकेंड टाइम। दिल्ली इज करंटली अंडर लॉकडाउन टिल 10th में। तो कोरोना वायरस के केसेस में जो बढ़ोतरी होती जा रही है लगातार, उसको देखते हुए दूसरी बार दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। पहली बार 19 अप्रैल को लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, जो कि 3 मई तक रहने वाला था। अब इस लॉकडाउन को बढ़ा करके 10 मई तक कर दिया गया, यानी 10 मई तक फिर से दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो ये कब कैसे होगा और कैसे रजिस्टर करना है, ये सब आपको हमारे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। जैसी इन्फॉर्मेशन आती है, हम वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और इस तरीके की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके स्कूल से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके क्लासेस से रिलेटेड, वो सब हम आपको हमारे चैनल पे वीडियोस के थ्रू बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आप बेल आइकन पे जाके ऑल प्रेस करें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको यूट्यूब पे जाके किसी भी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।